Hi and welcome to R&Y Inside Learning Hub. This is the 19th video of the Java series. In this video, we will learn about file handling. And before the understanding the how to handle the file, how to read and write the data into a file or from to file. So first, we need to understand input stream and output stream. So let's begin. So before practical, we will understand the theoretical part, okay? Okay, now, so Java have a input or output stream are the sequence of data that are read from the source and write to the destination. An input stream is used to read data from the source, and the output stream is used to write the data to the destination. Okay, so this is a source. Source means any file like text file, PDF file, Excel file, doc file, any kind of file we have source. So we read the data with the help of input stream from the source and with the help of program. Okay, and the program we create a program, and with the help of output stream and write the data on the destination. Okay, so we will understand very deeply in coming video. This today's video only theoretical part. So this is very important topic in the Java and for the tester and the developer. The very important topic. जब भी हम ऑटोमेशन या कोई भी करते हैं तो हमें फाइल इनपुट करनी पड़ती है. जैसे मैं एक टेस्टर, तो मुझे डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ. जैसे तो डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मुझे डेटा डेटा किसी फाइल से, एक्सेल फाइल से, डेटा मोस्टली एक्सेल फाइल से हम उठाते हैं और डेटा उठाते हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम जो अपना लॉगिन पेज है या रजिस्ट्रेशन पेज है, कोई भी मॉड्यूल है, हम उसको टेस्ट करते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग. तो वहाँ डेटा रीड करना बहुत ज़रूरी है, और फिर हम वेरीफाई स्टेटस हम डालते हैं उस फाइल में कि हमने ये डेटा लिया था और ये टेस्टिंग हो गई या नहीं, पास और फेल. सो राइट भी करते हैं साथ ही साथ स्टेटस. तो रीड और राइट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर टेस्टर. मैं क्योंकि टेस्टर हूँ तो मैं टेस्टर को ज़्यादा बोलूँगा, और जब डेवलपर के लिए भी. तो ओके, सो हाउ मेनी टाइम वी हैव स्ट्रीम इन जावा. डिपेंडिंग अपॉन द डाटा स्ट्रीम होल्ड, इट कैन बी क्लासीफाइड इन टू बाइट स्ट्रीम. क्लासीफाइड फर्स्ट इज बाइट स्ट्रीम. बाइट स्ट्रीम इज यूज टू रीड एंड राइट ए सिंगल बाइट, एक बिट. हमने जब डेटा डेटा टाइप पढ़े थे तो हमने बिट, बाइट और ये सारी चीज़ें, साइज ऑफ डेटा, ये 8 बिट क्या है, बाइट क्या है, ये साइज ऑफ, हम ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में हम किसी, जैसे हम दूध को लीटर में मेज़र करते हैं, या दूरी को किलोमीटर में मेज़र करते हैं, या लेंथ ऊंचाई को लेंथ में, लाइक दैट. तो हम कंप्यूटर की दुनिया में हम किसी भी वेरिएबल का साइज, एरिया साइज, वो कितना डेटा रख रहा है, लाइक होप आप समझ पा रहे हो. तो हम उसको बाइट या बिट या बाइट्स, लाइक दैट, तो हम उसमें मेजर करते हैं. तो बाइट इज अ स्ट्रीम दैट यू टू राइट और राइट रीड और राइट सिंगल बाइट. ओके, ऑल बाइट स्ट्रीम क्लासेस आर ड्राइव फ्रॉम द बेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम. एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी हैव ऑलरेडी कवर इन प्रीवियस वीडियो. As you know, abstract class is like just a blueprint of the class. Why we are create a abstract class? What is the purpose of abstract class?
और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ. ओके सो प्लीज इफ यू लाइक टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो फ्रॉम दिस सीरीज. ओके इफ यू नॉट वॉच ओके सो आफ्टर क्लास कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम. ओके एंड कैरेक्टर स्ट्रीम. कैरेक्टर स्ट्रीम यूज टू रीड एंड राइट अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ डेटा कैरेक्टर बाई कैरेक्टर. अब देखो अब ये जो यहाँ पे कैरेक्टर दिखा है सी इज अ कैरेक्टर एच इज अ कैरेक्टर ए इज अ कैरेक्टर आर इज अ कैरेक्टर ए इज अ कैरेक्टर सी इज अ कैरेक्टर टी इज अ कैरेक्टर ई इज अ कैरेक्टर और आर इज अ कैरेक्टर. ठीक है और जो कैरेक्टर पूरा है पूरा एक ये जो इसे हम वर्ड बोल रहे हैं तो दोनों में अंतर है दोनों में अंतर है. ठीक है इसको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे कैरेक्टर और वर्ड हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कैसे पढ़ेंगे और वर्ड बाय वर्ड कैसे पढ़ेंगे रीड करेंगे किसी फाइल में से डेटा को. ओके वी विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. सो ऑल द कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस आर ड्राइव फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस रीड और राइट राइटर. सो मैं सारे ये सारे हम कवर करेंगे इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम रीड और राइटर. ठीक है इन दोनों में अंतर क्या है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एंड रीड एंड राइटर. वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल. ओके डोंट वरी आज बस हम थ्योरेटिकल थोड़ा कवर करेंगे क्योंकि थ्योरी समझना बहुत जरूरी है सीधा प्रैक्टिकल समझने से पहले तभी हमें प्रैक्टिकल समझ में आएगा. ओके तो थ्योरी बहुत जरूरी क्योंकि आपको इंटरव्यू में जब आप क्वेश्चन होता है तो आप आंसर कैसे करोगे जब आपको थोड़ा थ्योरेटिकली पता ना हो क्योंकि प्रैक्टिकली तो आप लॉजिक लगा लोगे आपके सिचुएशन पेज पे यू नो क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है बट आप लॉजिकल समय क्लिक हो जाएगा. बट क्या है कि जब आपको किसी को समझाना होता है इंटरव्यू में आपको जस्टिफाई करना होता है. इंटरव्यू होता किस लिए है कि इंटरव्यूअर इज जज करता है कि आपको नॉलेज है भी या नहीं है या आप रट्टा रट्टा फिकेशन करके आए हैं कहीं गूगल से पढ़ के आए हैं. ठीक है तो ये आपकी प्रैक्टिकल आपकी जो यू नो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो उस टॉपिक को लेके. ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो जावा इनपुट स्ट्रीम क्लासेस. ओके हम एक एक करके समझेंगे. द इनपुट स्ट्रीम क्लास ऑफ द जावा आईओ. अब जावा आईओ क्या है जावा जावा के अंदर एक आईओ नाम की एक क्लास है. ठीक है आईओ पैकेज पैकेज है. ठीक है इनपुट और आउटपुट आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट. ये जो इनपुट स्ट्रीम है ये जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर है. ठीक है हमने पैकेज बनाना भी सीखा था. पैकेज इज अ सिमिलर लाइक अ फोल्डर जैसे हम अपने कंप्यूटर पर फोल्डर बनाते हैं ऐसे हम उसको पैकेज बोल रहे हैं जावा की लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ओके ओके सो पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस. वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग इन अर्लियर वीडियो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू. ओके सो पैकेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब क्लास. एब्स्ट्रैक्ट वर्ड मैंने बार बार यूज किया यहाँ पे ताकि आपको इंटरव्यू में समझा पाओ कि इनपुट स्ट्रीम क्लास एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास सुपर क्लास है. ओके द इनपुट स्ट्रीम क्लास ऑफ द जावा आईओ पैकेज एज एन एब्स्ट्रैक्ट सब क्लास सुपर क्लास सॉरी सुपर क्लास दैट रिप्रेजेंट एन इनपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स. सिंस इनपुट स्ट्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट इज नॉट यूजफुल बाई इटसेल्फ. हाउएवर इट्स सब क्लास कैन बी यूज्ड टू रीड अ डेटा. अब इस लाइन का मतलब क्या है. अब इनपुट स्ट्रीम क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम इजीली ऐसे तो यूज नहीं कर सकते उसकी हमें चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी और चाइल्ड क्लास ऑलरेडी हमारी बनी हुई है जावा ने बनाई हुई है जिसका हम यूज करेंगे. ठीक है जिसको हम और तरीके और प्रैक्टिकली समझेंगे. ठीक है तो अब सब क्लास और सुपर क्लास क्या है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास. सो वी हैव कवर ऑल दिस थिंग. तो गाइज अगर आप नए हैं इस वीडियो में इस चैनल में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वाले सारे वीडियो देखें ताकि आप ये कॉन्सेप्ट यू नो कनेक्ट कर पाएं क्लिक कर पाएं आपके माइंड में कि हाँ ये मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में. अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हैं और आप डायरेक्ट समझ रहे हैं तो आपको पहले की नॉलेज बहुत होना जरूरी है बहुत जरूरी है होना. ठीक है ओके सब क्लासेस ऑफ इनपुट. अब सब क्लासेस कौन कौन सी है. इन ऑर्डर टू यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ इनपुट स्ट्रीम वी कैन यूज इट्स सब क्लासेस सम ऑफ देम फाइल इनपुट स्ट्रीम बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम.
वी विल कवर ऑल दिस थिंग इन 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 डिटेल इन प्रैक्टिकली. ओके लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो मेथड ऑफ इनपुट स्ट्रीम. अब मैं इनपुट स्ट्रीम सुपर क्लास में बहुत सारे मेथड है जिनको सब क्लासेस यूज कर रही हैं, जैसे राइट सॉरी रीड. ओके रीड है, रीड बाइट एरे है, अवेलेबल है, मार्क रीसेट, मार्क सपोर्ट, स्किप एंड क्लोज. ओके सो रीड इज यूज टू रीड वन बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम. ओके एंड रीड रीड बाइट एरे इज राइट रीड बाइट बाइट फ्रॉम द इनपुट एंड स्टोर इन द स्पेसिफाइड एरे. ओके ये रीड जो है एक एक करके कर रही है और ये एरे के फॉर्म में कर रही है, बस इतना अंतर है. ओके बल्क में कर रही है. अवेलेबल रिटर्न द नंबर ऑफ द बाइट अवेलेबल इन द इनपुट स्ट्रीम. अवेलेबल मीन्स वो ट्रू और फॉल्स, ये बुलियन को रिटर्न करेगी कि ये जो आप सर्च कर रहे हो उस फाइल में वो अवेलेबल है या नहीं है. ओके एंड मार्क द पोजिशन इन द इनपुट स्ट्रीम अप टू द विच डेटा हैज बीन रीड. ओके अब क्या है कि जब हम डेटा रीड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक स्टोर हो रहा है कि हाँ हमने ये रीड कर लिया है. ठीक है वो हम समझेंगे आने वाले वीडियोज में. ओके रीसेट रिटर्न द कंट्रोल टू द पॉइंट इन द स्ट्रीम वेयर द मार्क वाज सेट. ओके एंड मार्क सपोर्टेड चेक इफ द मार्क एंड रीसेट मेथड इज सपोर्टेड इन द स्ट्रीम. ओके एंड स्किप स्किप एंड डिस्कार्ड द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम एंड क्लोज क्लोज द इनपुट स्ट्रीम. ओके क्लोज मीन्स हम किसी भी बुक को, जैसे ऐसे एग्जांपल ले लो, हम किसी किताब को उठाते हैं उसको पढ़ते हैं. ठीक है हमने जहां जहां पढ़ लिया उसको मार्क कर दिया. ठीक है अब जो हमें नहीं पढ़ना वो स्किप कर दिया. अब उस किताब को जब हम रखते हैं तो क्लोज करके रखते हैं ना, खोले करके तो रखते नहीं है. तो क्लोज करना आप जरूरी है. क्यों करना जरूरी है? क्योंकि डेटा लीकेज होता है उसे. आपने कोई अगर क्लोज मेथड नहीं यूज किया एंड में, हम अभी प्रैक्टिकली इसको पढ़ेंगे, क्लोज नहीं किया उस मेथड को तो क्या होगा, डेटा लीकेजिंग की दिक्कत आ जाती है. ठीक है ओके डेटा लीकेजिंग मतलब यार वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे. ओके ओके लीकेज का मतलब थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊंगा, इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो ज्यादा सही समझ में आएगा. ओके अब आते हैं आउटपुट स्ट्रीम. द आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस ऑफ द जावा आईओ पैकेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स. सिंस आउटपुट स्ट्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट इज नॉट यूजफुल इट्सेल्फ. हाउएवर इट्स सब क्लासेस कैन बी यूज्ड टू राइट अ डेटा. अब देखो है तो सिमिलर डेफिनेशन, बस दोनों में अंतर क्या है, इनपुट क्या कर रही है, रीड का काम कर रही है. ठीक है और आउटपुट क्या कर रही है, राइट का काम कर रही है. बस दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं, दोनों की सब क्लासेस हैं और दोनों का दोनों जावा डॉट आईओ पैकेज के अंदर हैं. ठीक है प्लीज आई एम रिपीटिंग, दोनों जावा डॉट आईओ पैकेज के पार्ट हैं. इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम दोनों जावा डॉट आईओ. आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम कहां से ड्राइव हो रही है, ओके क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विच पैकेज इज नीड टू बी इम्पोर्ट वेन एवर बी यूज इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम लाइक दैट. ओके सो वी कैन से दैट जावा डॉट आईओ पैकेज वी नीड टू इम्पोर्ट इन आवर कोड जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम और डॉट आउटपुट स्ट्रीम और डॉट स्टार लगा दें हम जावा डॉट आईओ डॉट स्टार लगा देंगे. स्टार का मतलब हमने पहले भी कवर किया है, पहले वाले वीडियो में आपको कहीं मिल जाएगा. ठीक है क्या होता है, जब मैं पैकेज पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ाया था कि जब हम स्टार लगाते हैं तो स्टार का मतलब जितनी भी उस पैकेज के अंदर क्लासेस हैं वो सारी. अगर हम स्पेसिफाई का नाम रख देते हैं, जैसे इनपुट का नाम रख दिया तो इनपुट स्ट्रीम क्लास हमारी ड्राइव हो जाएगी, आउटपुट का नाम रख दिया तो ड्राइव हो जाएगी. स्टार लगा दी तो सारी की सारी जितनी उस क्लासेस उसके पैकेज के अंदर है सारी की सारी ड्राइव हो जाएंगी. ओके होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके अगर आपको और डिटेल में तो वीडियो बार बार देखूँ, मैं बार बार वही चीज़ें बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट क्या करूँ.
क्योंकि ये सारे टॉपिक मैंने डिटेल में कवर कर दिया, मैं दोबारा करूंगा तो टाइम आपका भी कीमती है, मेरा भी बहुत कीमती है। ओके ओके सो सब क्लासेस ऑफ आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, वाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे प्रैक्टिकली। ओके अब मेथड क्या है आउटपुट स्ट्रीम के, राइट ओके राइट राइट वाइट एरे प्लस एंड क्लोज। राइट क्या कर रही है, राइट मेथड इज यूज टू राइट अ डेटा टू द डेस्टिनेशन, एंड राइट वाइट एरे इज राइट द बाइट फ्रॉम द स्पेसिफाइड एरे टू द आउटपुट स्ट्रीम। हमें कोई बल्क में डेटा अगर हमें पास करना है डेस्टिनेशन को तो हम बाइट राइट एरे करना है, हम प्रैक्टिकली से समझेंगे। फ्लश फ्लश फोर्स टू राइट ऑल द डेटा प्रेजेंट इन आउटपुट स्ट्रीम टू द डेस्टिनेशन। ओके एंड क्लोज क्लोज द आउटपुट स्ट्रीम। फ्लश अच्छा फ्लश को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपने कंप्यूटर बेसिक पढ़ा था तो आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ाते समय आपको टीचर ने बताया था कि जब होता था ना, जब डेस्कटॉप होते थे, लैपटॉप नहीं होते थे, मतलब लैपटॉप लैपटॉप होते थे बट बहुत कम मार्केट में थे, तो हम डेस्कटॉप जब यूज करते थे तो क्या होता था कि जब लाइट चली जाती थी तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेव नहीं हो पाता था। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें टीचर बताते ना कि अपना काम सेव कंट्रोल एस सेव करते रहना ताकि लाइट ना चली जाए, ठीक है, ताकि हम जहाँ जो काम हम कर रहे हैं जिस समय जो हमने कर लिया वो वहां तक का सेव हो जाए, बाकी हम जहाँ फिर अगले दिन हम जब उस काम को करेंगे तो जहाँ हमने छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट करें, समझ पा रहे हो ना। तो प्लस का मतलब यही है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहां तक मैंने अंडरस्टैंड किया इस प्लस का मतलब, ठीक है, और डिटेल में इसको जानेंगे प्लस प्रैक्टिकली समझेंगे। प्लस का मतलब यही है कि आपने जो राइट कर लिया, जो लिख दिया, राइट कर दिया उस जो डेस्टिनेशन पे, वो सेव हो गया, सेव हो गया, ठीक है। अब क्लोज क्या है, क्लोज उस मेथड को क्लोज करना है, उस आउटपुट स्ट्रीम मेथड को क्लोज करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, नहीं तो आपको वार्निंग देता रहेगा, हम प्रैक्टिकली देखेंगे। क्लोज इसलिए इस इंपॉर्टेंट है, डेटा लीकेज का है, डेटा लीकेज क्या है वो मैं आगे वाले हम वीडियो में समझेंगे, ठीक है, ये क्लोज बहुत जरूरी है। तो आपने इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम समझ लिया, अब आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट, ऑब्जेक्ट आउटपुट, बफर इनपुट, बफर आउटपुट, प्रिंट स्ट्रीम, ऑल दिस थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड इन कमिंग वीडियो। ओके होप आई होप यू लाइक द वीडियो टू ओके टू शो योर रिस्पॉन्स प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर अपडेटेड वीडियो। आई वुड बी ग्लैड टू रिसीव योर फीडबैक, योर सजेशंस एंड योर क्वारीज एंड इन द कमेंट सेक्शन। अब एक चीज और मैं थोड़ा ऐड कर दूं, मैं क्यों हिंदी भी यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मतलब मेरी कंपनी में ही जो पर्सनली मुझे जानते हैं, जो मेरे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, एक्चुअली मुझे एक मेरे ही बहुत अच्छे दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप थोड़ा हिंदी भी अगर यूज कर लें तो बहुत सारे लोगों व्यूअर्स, क्योंकि हम इंडियन हैं थोड़ा हिंदी में हम थोड़ा सही से समझ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम, मोस्टली बंदे हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं तो हिंदी में हम थोड़ा सही से समझ पाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो से थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप कर दिया है। वैसे मैं प्योर हिंदी का मतलब हर चीज तो हिंदी में नहीं हो पाएगी, लेकिन एक हिंदी का भी एक वर्जन आएगा, जावा के कलेक्ट जावा का सीरीज आएगी एक हिंदी में, वो आने वाले समय में, मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता अभी कब आएगी बट आएगी, बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। तो हिंदी और दूसरा कि थ्योरेटिकल पार्ट मैंने क्यों सिर्फ इसमें एक मैं एक और दोस्त हैं जिन्होंने बोला था कि आप प्रैक्टिकली सीधा, मैं बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, मैं सीधा प्रैक्टिकली में आ जाता हूँ, थोड़ा हिंदी थोड़ा थ्योरेटिकल समझाता हूँ फिर प्रैक्टिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा समझ में आता है बंदों को, थ्योरेटिकली थोड़ा बोर हो जाते हैं, ठीक है,
वीडियो भी स्किप कर देते हैं। तो क्या होता है, तो किसी ने बोला था कि आप थोड़ा थ्योरेटिकली समझाएं फिर प्रैक्टिकली। तो मैं अपने यही आज से थोड़ा इम्प्रूव लिया है जो उनका सजेशन है। तो गाइस आपके सजेशन आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए। मैं इस वीडियो कैसे इंप्रूव करूँ, थोड़ा मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ आपके सजेशन आप कमेंट कर सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मैं कहीं लेट कर रहा हूँ, कहीं फंबल कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आपके भाई को आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।